नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमने देखा था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में दोस्तों हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसके कारण एक होल बन जाता है, होल बचता है वो पॉजिटिव होल, जो कि मेजोरिटी कैरियर हमारा होता है। और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम सिलिकन या जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसके कारण एक फ्री इलेक्ट्रॉन, पेंटावेलेंट 5, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो मेजोरिटी कैरियर रहता है। और अगर इन दोनों को हम पी और एन टाइप को आपस में जोड़ दें तो पी एन जंक्शन बनता है दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में जो है वो नेगेटिव चार्ज फिक्स हैं और एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स है। और पी टाइप में जो है होल हैं दोस्तों, मूविंग होल, और एन टाइप में मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक जंक्शन बनाता है दोस्तों, क्योंकि ये पी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो फिक्स है, यहाँ पॉजिटिव फिक्स है, मगर इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में एक दूसरे तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये होल यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और होल यहाँ चला गया। ये दोस्तों एक जंक्शन सा बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल बन गया है एक नेगेटिव पॉजिटिव का। और अगर दोस्तों हम सप्लाई दे दें इसको, सप्लाई दे, अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव सप्लाई दे तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो इसके कारण क्या होता है, ये नेगेटिव वाला तो यहीं फिक्स है, ये पॉजिटिव दिया है, होल भी पॉजिटिव है तो होल उधर जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव दिया है और ये इलेक्ट्रॉन मूविंग नेगेटिव, जो मेजोरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव दिया है तो ये इधर जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक करंट फ्लो मिल जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड बायस में, जिसमें पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव देते हैं, फॉरवर्ड बायस। करंट फ्लो अकर्स ड्यू टू होल्स इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन। ये मेजोरिटी चार्ज यही है दोस्तों। और अगर इसका रिवर्स दे दें हम, जिसे कहते हैं रिवर्स बायस पी टाइप एन टाइप में दोस्तों, तो ये हमारा ये डिप्लीशन जोन और बड़ा हो जाता है, ये क्योंकि ये जो इसके अंदर जो होल है पॉजिटिव साइड वाले, वो और इस नेगेटिव रिवर्स बायस दिया है दोस्तों, हमने इस पी वाले को नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया है सेल के, और इसको पॉजिटिव साइड से किया एन टाइप को। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस तरफ आ गए और होल्स इस तरफ आ गए, तो हमें बीच में क्या है, डिप्लीशन लेयर मिल गया, एक डिप्लीशन जोन। तो ये एक्ट एज इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, ये रिवर्स बायस पे एक्ट एज एन इंसुलेटर। बट अ सेचुरेशन करंट विल फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। एक सेचुरेशन करंट फ्लो करती है दोस्तों माइनॉरिटी कैरियर के कारण। पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल्स हैं दोस्तों। एक मामूली सी करंट बहती है इसमें, कुछ इस तरीके से ये फॉरवर्ड बायस है और इधर नीचे रिवर्स बायस होता है दोस्तों। ठीक है, ये करंट है वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे वोल्टेज। ये हम आगे चल के देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड अगले लेक्चर में दोस्तों। अभी आप समझिए रिवर्स बायस में एज ए इंसुलेटर काम करता है, फॉरवर्ड बायस में एज अ कंडक्टर काम करता है ये पीएन जंक्शन, और इसकी मदद से डायोड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।